सीवान जिले के सिसवन प्रखंड के रामपुर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है। आपको बताते चले कि लगभग 4 रोज पहले यहां पर चुनाव हुए थे, मगर उस दिन चुनाव रद्द कर दिए गए थे क्योंकि बूथ लूटने की सूचना आई थी। मत पेटिका जो थी उसमें पानी डाल दिए गए थे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। और आज एक बार फिर से इस सिसवन प्रखंड के रामपुर पंचायत में जो पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव है वो उसकी पुनर्मतदान यहाँ पे की गई और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। जो जिला के मुख्यालय के DSP हैं नवीन कुमार मिश्र, वो स्वयं यहाँ पर मौजूद थे और उन्हीं के देखरेख में यहाँ पर चुनाव चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये आपको सीवान जिले के सिसवन प्रखंड के रामपुर पंचायत की यह तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पैक्स अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान का कार्य चल रहा है और जो भी लोग हैं, जो भी मतदाता हैं, वो कतारबद्ध होकर के और मतदान देने अपना आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिसवन प्रखंड के रामपुर पंचायत के, जहां पर बूथ बनाए गए थे वहां पर काफ़ी भारी मात्रा में बलों की तैनाती की गई थी, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई थी, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और काफ़ी महिला सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरीके से जिला प्रशासन नहीं चाहती थी कि इस बार चूक हो और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से आज तैयार थी। आपको बताते चले कि 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद आज ही शाम तक यहाँ के जो परिणाम होंगे वो सामने आ जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि रामपुर के पैक्स अध्यक्ष कौन होता है, यह देर शाम तक पता चल जाएगा। इसकी पूरी जानकारी और पूरी विशेष आपको रिपोर्ट दिखाएंगे हमारे संवाददाता चंदन कुमार, जो कि बूथ पर मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से और कैसे यहाँ पर चुनाव सम्पन्न हो रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्ण और पार्शियल चुनाव चल रहा है जी, और किसी तरह का कोई ये नहीं है। जेन्युइन मतदाता जो है अपना वोट डाल रहे हैं जी जी, और सब शांतिपूर्वक चल रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांतिपूर्ण। कब तक सर चलेंगे ये? 3 बजे तक। 3 बजे, 3 बजे तक, 3 बजे तक। किसी तरह का कोई दिक्कत? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जहाँ तहाँ पुलिस को चाक चौबंद किया गया है, हर एक चीज़ पर निगरानी रखी जा रही है कि कोई तरह का शरारतपूर्ण कार्रवाई यहाँ नहीं हो ताकि पीसफुल मतदान हो सके। ठीक। सीवान जिले के सिसवन प्रखंड के रामपुर पंचायत के जो बूथ है वहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे पुनर्मतदान चल रहा है, यानी कि लगभग 4 रोज पहले यहाँ पे पैक्स चुनाव को लेकर के मतदान हुए थे लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी, बूथ लूटने की सूचना आई थी और उस पर जो है कि उस दिन मतदान जो थी वो कैंसिल कर दी गई थी और आज फिर से इस बूथ पर पुनर्मतदान की प्रक्रिया चल रही है और हम अभी पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे जो जिले के आला अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां यहां पे लगी हुई है और सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी असामाजिक तत्व आज कम से कम जो पुनर्मतदान हो रहा है इसमें कोई गड़बड़ी ना फैला सके। महिला बलों की भी तैनाती की गई है और ख़ास करके आपको बता दें कि आज कुछ ज़्यादा संख्या में जो सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। DSP मुख्यालय नवीन चंद्र मिश्र भी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ठीक सामने बूथ बनाए गए हैं जहाँ पे जो मतदाता हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि ये वही रामपुर पंचायत का बूथ है जो ज़िले में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था, यानी कि 15 दिसंबर को यहाँ पे चुनाव हुए थे पैक्स का और उसके बाद से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बूथ लूटने का प्रयास किया गया था जिसपे स्थानीय थाने में मामले भी कई प्रत्याशियों पे दर्ज भी हुए थे और आज इसी बूथ पर फिर से पुनर्मतदान चल रहा है। DCLR भी यहाँ पे आए हुए हैं मजिस्ट्रेट के रूप में, ये लोग सारे लोगों की तैनाती हुई है। कुछ युवा वोटर जो ये अपने कागजात लेकर के पहुँचे हुए हैं यहाँ पे वोट देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार आप वोट दे रहे हैं क्या? पहली बार वोट दे रहा हूँ। तो किस चीज़ का चुनाव चल रहा है आपको पता है? क्या किस चीज़ का वोटिंग चल रहा है यहाँ पे? पैक्स का। आज आप पहली बार? पहली बार।
कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अभी 3-4 रोज पहले यहाँ पे चुनाव हुए थे, बूथ कैंसिल भी कर दिया गया, आपको जानकारी है कि क्यों किया गया था? नहीं, हम तो पढ़े चल गए थे। अपना नाम? सोनू कुमार। सोनू कुमार, आप बताइए आप वोट देते हैं? तो आज किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? जो सुरक्षा के इंतजाम जो किए गए हैं उससे कितने संतुष्ट हैं आप? अच्छा, आपको जानकारी है कि दूसरी बार आज मतदान यहाँ पे हो रहा है, क्यों हुआ, क्या कर रहे हैं, क्या हुआ था उस दिन, पहली जो पहले बार जो मतदान चल रहा था उस दिन क्या घटनाएं घटी? क्या पता चला? लड़का मैंने कह रहा था कि झगड़ा वहाँ पर, और बूथ लूटने की भी सूचना थी, बूथ भी लूटने की सूचना थी, इसलिए आज आपने मतदान कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ? आप नाम बताइए। तो आपने देखा कि अमित कुमार यादव से भी बात हुई, हालांकि एक ऐसे वोटर थे उनसे भी बात हुई, हमने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, देखिए कुछ महिला जो है वो लोग भी अपना मत का प्रयोग करने के लिए आ रही हैं, और जो यहाँ पे महिला पुलिस बल जो है, कॉन्स्टेबल जो है, ये लोग वो बारीकी से उनके कागजात को, चाहे वो वोटर कार्ड हो, आधार हो, ये तमाम तरह की जो भी उससे जुड़ी जो कार्ड हैं या फिर जो कागजात हैं उसे देख करके और जांच करके और फिर अंदर प्रवेश करा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से इस बूथ को कैंसिल कर दिया गया था और आज फिर से इस बूथ का, यानी कि रामपुर पंचायत जो है, पंचायत का जो बूथ है, पैक्स चुनाव के लिए आज यहां पे पुनर्मतदान चल रहा है। अब लगभग बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से आज यहां का मतदान चल रहा है। 3 बजे तक यहां पे मतदान की प्रक्रिया चलेगी और लगभग 7 बजे तक रिजल्ट यहां पे सामने आ जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि रामपुर पंचायत का जो पैक्स अध्यक्ष है वो कौन होगा। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।